आज मैं आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अलग तरीके से बैंगन फ्राई की रेसिपी लेके आई हूँ। जब भी आपका कुछ अलग खाने का मन करे, बहुत ही टेस्टी सा कुछ खाने का मन करे, तो इस तरीके से बैंगन फ्राई आप ज़रूर बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम दो बैंगन लेंगे। इसको इस तरीके से हम गोल कट कर लेंगे। थोड़ा सा मोटा ही कट करना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं कट करना है। जैसे मैं कट कर रही हूँ इसी तरीके से इसे हम एक मिक्सिंग बाउल में डाल देते हैं। वैसे तो बैंगन का स्लाइस करने से पहले मैंने उसे अच्छे से वॉश कर लिया था, लेकिन जैसे हम बैंगन कट करते हैं तो थोड़ा सा काला पड़ने लगता है, तो इसीलिए हम फिर से इसे दोबारा वॉश कर लेंगे और इसका पूरा पानी निकाल लेंगे। इसमें एक चम्मच हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। नमक डाल देंगे इसमें स्वाद अनुसार और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। नमक हमें इसमें इसलिए डालना है क्योंकि जब हम बैंगन को फ्राई करते हैं ना, तो ऊपर का मसाला तो चटपटा लगता है लेकिन अंदर से बैंगन फीके लगते हैं, इसलिए नमक डालना ज़रूरी है। इसको ढक के हम साइड में रख देंगे 10 मिनट के लिए। तो बैंगन को कोट करने के लिए पहले हम चटपटा मसाला बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून बेसन लिया है, आधी टेबल स्पून रेड चिली पाउडर लिया है, थोड़ी सी हल्दी पाउडर ली है और आधी छोटी चम्मच गरम मसाला है। धनिया पाउडर डाल देंगे हम इसमें 1 छोटा चम्मच के करीब। चाट मसाला भी हमें इसमें डालना है, तो चाट मसाले की जगह पे आप आमचूर पाउडर भी ले सकते हैं। तो आधी छोटी चम्मच मैंने इसमें चाट मसाला डाला है। इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। बिल्कुल थोड़ी सी हम इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे। कसूरी मेथी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको इसका स्वाद पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मुझे टेस्ट इसका पसंद है इसलिए मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे और अच्छी तरीके से इन सबको हम मिला लेंगे। अब इस मसाले को हम एक प्लेट में निकालेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इसमें जो मसाले मैंने मिक्स किए हैं, अगर आप इसमें एडिशनल कुछ मसाले मिक्स करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे कि जीरा पाउडर या फिर साबुत जीरा वगैरह आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। अगर आपको तीखा ज़्यादा खाना पसंद है तो थोड़ी सी हरी मिर्च को आप कूट के इसमें डाल सकते हैं। तो देखिए हमने बैंगन जो अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक मिला के रखा था, इसे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको इस मसाले में कोट कर लेंगे। बढ़िया तरीके से हमें इसे कोट कर लेना है। आप इस बैंगन फ्राई को ज़रूर बनाइए फ्रेंड, ये बहुत टेस्टी बनता है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो इस तरीके से हम सारे बैंगन को कोट कर लेंगे इस मसाले में। अगर बैंगन को और ज़्यादा क्रिस्पी बनाना है तो इसमें 1 टेबलस्पून राइस फ्लोर डाल सकते हैं। राइस फ्लोर से ये और ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो देखिए यहाँ पे गैस पे तवा मैंने रख दिया है, अच्छे तरीके से तेल भी गर्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा तेल की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल 1-2 चम्मच मैंने इसमें तेल डाला है। बिल्कुल स्लो गैस पर हमें इसे फ्राई करना है, गैस को तेज़ बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि हमने जो इसमें इन्ग्रीडियंट मिलाई है ये ड्राई है, इसमें हमने पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाया है, तो इसलिए ये तुरंत जल सकते हैं, इसलिए हमें गैस के फ्लेम को एकदम स्लो रखना है। जैसे इसका नीचे से कलर चेंज हो जाए तो इस तरीके से हम इसे पलट लेंगे। बैंगन को हमें अच्छे तरीके से पकाना है, अगर बैंगन कच्चे रहेंगे तो खाने में मज़ा नहीं आएगा। इस तरह से आपको अलट पलट करते रहना है ताकि बैंगन दोनों तरफ से बढ़िया से पक जाए। 3 से 4 मिनट में बैंगन बढ़िया तरीके से पक जाते हैं। तो ये देखिए बढ़िया से हमारे एकदम क्रिस्पी मसाला बैंगन फ्राई बन के तैयार है। इसके ऊपर थोड़े से हम इस तरीके से तेल डाल देंगे। मैं इसके ऊपर से तेल डाल रही हूँ, अगर आप चाहे तो जब हम इसका मसाला बनाते हैं कोट करने के लिए उसमें भी आप तेल डाल सकते हैं। अब इस पर थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे ऊपर से। ऊपर से हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। फ्रेंड्स, आप इस मसाला बैंगन फ्राई की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि ऐसे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। स्वस्थ खाइए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।